अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मोमोज। उसके लिए मैंने चिकन का कीमा ले लिया है आधा किलो। अब इसको इसमें मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ बारीक कटी हुई प्याज, एक छोटी कटोरी पत्ता गोभी और एक छोटी कटोरी इसमें बारीक कटी हुई गाजर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम और मसाला ऐड करेंगे। तो अभी इसमें मैं आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, दो चम्मच विनीगर, एक चम्मच सेजवान चटनी और एक चम्मच रेड चिल्ली सॉस। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, मैं एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग के लिए ये तैयार हो गया है। अब हम मैदा सान लेते हैं। मैदे आधा किलो मैंने मैदा लिया है, उसमें आधा छोटा चम्मच नमक मिला दिया और उसे पानी से अच्छी तरह से सान लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको अच्छे से डो लगा लेंगे। डो ना बहुत कड़क होना चाहिए ना बहुत सॉफ्ट, मीडियम होना चाहिए डो। और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। पहले थोड़ा सा सान लेंगे अच्छे से। तो मेरा आटा तैयार होता है, मैं मोमोज की चटनी बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने दो टमाटर बीस से आधा करके ले लिए, तीन चार हरी सूखी मिर्च ले लेती हूँ और उसको एक कटोरी पानी में रख देती हूँ पकने के लिए। वो अच्छे से पक जाए, उसका टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा टमाटर और मिर्ची ठंडा हो गया है, उसके हम ऊपर का टमाटर का छिलका निकाल लेंगे और उसे जार में पीस लेंगे। बारीक पेस्ट बना लेंगे, फिर एक पैन चढ़ा देंगे, उसमें दो चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर उसमें एक चम्मच अदरक और दो चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ डाल के उसे लाल लाल होने तक भून लेंगे। और उसके बाद जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम अपना पिसा हुआ पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइए। और उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच सोया सॉस,
एक चम्मच उसमें ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। एक चम्मच उसमें विनीगर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक उसको पकने देंगे और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच शक्कर डाल देंगे। हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम एक पतीला ले लेते हैं, उसमें 2 लीटर के करीब पानी डाल देंगे और उस पर एक उसके ऊपर से एक छन्नी रख देंगे और पानी गर्म होने देंगे। उस छन्नी पे हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा मोमो चिपके नहीं। फिर इसको एक ढक्कन के उससे कवर करके रख देंगे पानी गर्म होने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अपना मोमोज बनाने। एक बड़ी सी लोई ले लेंगे और उसको थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के उसको अच्छे से बेल लेंगे। एक बड़ी साइज़ की रोटी बेल के मैंने इसको एक कटोरी की मदद से काट लिया है। आप चाहे तो छोटी छोटी लोई बना के बेल के डायरेक्ट उसमें भर सकते हैं। अब इसमें मैं अपना स्टफिंग भरती हूँ। स्टफिंग डालने के बाद इसको हम अच्छे से छोटे छोटे प्लेट देंगे। उसमें प्लेट देके अच्छे मोमोज के शेप में उसको बनाएंगे। ये छोटी छोटी शेप देना है, उसे प्लेट देके उसके बाद उसको अच्छी तरह से मोमोज के शेप में तैयार करेंगे। ये मेरे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे और इसे हम रख देते हैं पानी में स्टीम होने के लिए छन्ने पे। मोमोज को रख देंगे, उसके बाद इसे हम एक साफ कपड़े से ऊपर से कवर कर देंगे और ऊपर से ढक्कन रख के इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर हमारा मोमोज बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना गर्मा गर्म मोमोज तैयार हुआ है। हमारा मोमोज बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा मोमोज बनके तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट है। अंदर से इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, कितना सॉफ्ट बना है और अंदर से इसकी जो स्टफिंग है एकदम जूसी। बहुत ही अच्छा मोमोज तैयार हुआ है। तो आपको भी ऐसे मोमोज बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो अल्लाह हाफिज़।